प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ। बस, बस भाई, भाई, भाई नहीं लेके जाए पापा को, भाई, भाई। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। खबरदार, खबरदार माहिर, जो तुमने एक भी आंसू बहाया है। तुम जानती हो पापा किसकी वजह से गए? तुम्हारी वजह से। तुम कातिल हो मेरे बाप की। रुक जा, बोलना बंद करो। आप बीच में नहीं आएंगे। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। कब जागेंगे भाई आप? फिर बात छोड़े बजे। आज मैं बोलूंगी और आज आपको सुनना पड़ेगा। देखिए मुझे यतीम हो गई हूं मैं। बाप का साया मेरे सर से उठ गया है। वापस चले गए भाई। आपको समझ में क्यों नहीं आता? आपको नजर नहीं आता कुछ? जो पट्टी अपने आपकी आंखों पे बांधी हुई है, खुदा के लिए उसे उतार दें। आपको क्यों नहीं दिखता है कुछ? क्यों पागल बने? हिसाब का वक्त आ गया। अरे इसके जाने का वक्त क्यों नहीं आ जाता? ये क्यों मर जाती? इसको मौत क्यों नहीं आ जाती? छोड़ा मुझे, मैं रहूं आपके साथ में। मरना तो इसको चाहिए ना? क्यों? क्यों पागलपन? क्यों हमारे सर में खाक डालने पे तुली हो? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप कर जाऊं मैं? सुनना चाहिए ना सबको? सबके सामने इसकी असलियत खुलनी चाहिए। बर्बाद कर दिया है हमको। आपको चाचा साहब नजर नहीं आते, आपको नजर नहीं आते। क्या हालत कर दी उनकी? किस नौबत तक पहुंचा दिया है उनको? आज बाबा चले गए भाई, बाबा मर गए, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। खुदा के लिए नीलो, थोड़ा मुझे चुप कर जाओ। नीलो, तुम्हारे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही होगी। चुप करो खुदा के वास्ते। ऐसे इल्जाम मत लगाओ मुझ पे कि मैं अपने आप से नजरें ना मिला सकूं। प्लीज चुप कर जाओ। इतनी खैरत होती ना तुम्हारे अंदर माहिर, तुम इस नौबत तक नहीं पहुंचते। तुम्हें तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जब पहली दफा इस घर की इज्जत ही नाम हुई थी। नहीं चलूंगी मैं। से कहें
यहाँ से जाए। मैं सही बता रही हूँ, इसे कहीं यहाँ से जाए, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकती। मेरी बात सुनो, खुद को बोले यहाँ से जाए। मेरी बात आपको नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं बता रही हूँ। चाय चना चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? प्लीज मेरे पास बैठो थोड़ी देर। क्या होती है जिंदगी यार, एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। कल वो इस वक्त हमारे साथ थे और आज आशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बेशक वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा उनके बच्चों के साथ होंगी। हमारी यादों में, हमारी बातों में उनका तस्करा कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं जब बेटा जवान हो जाता है तो बाप का सहारा बनता है, नहीं तो कमर ही टूटो। ऐसा लग रहा है कि सर पे आसमान नहीं है और पैरों के नीचे जमीन नहीं है, खत्म हो चुकी। तुम क्यों इतने आपको अकेला समझ रहे हो? रहूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा माहिर, मैं अब चलती हूँ, काफी रात हो गई है। दीदी अभी रात को अकेले जाओगी? वीक मैं छोड़ा था। नींद नहीं आ रही है। क्या सोच रहा हूँ? नीलू के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत अपसेट है वो। वो तो अपसेट है ही, उसकी वजह से अम्मी बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सानिया गुजरा है सब, वक्त तो लगेगा इस सब में से निकलने में। हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अम्मी में, नीलों में इतनी बर्दाश्त नहीं है। सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। दुआ करना यार मेरे लिए प्लीज। अल्लाह हम सबको सबर दे, जो हौसला दे। परेशान हुआ तू हम सबका हौसला हो समझ। तुम ही टूटने लगे तो हम तो बिखर जाएंगे। माई यार चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही फिर से दी। सब ठीक हो जाएगा बात के साथ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं, आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, स्पेशली ये फहा। तुम्हें फोर्स किया था ना मॉम्बो के साथ को अरेस्ट करवाए, हाँ तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब है, उन लोगों की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी और तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि साद और माहिर का कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। झूठ मत बोलो अरी, माहिर को बचाने के लिए तुमने ये सारी कहानी बनी है,
सिर्फ कोर्ट और पुलिस के चक्करों से बचने के लिए मैंने केस वापस लिया, वरना लोगों को ऐसा मजा चुकाती जिंदगी भरी आकर। अपने किए पे शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? कॉफी लोगे? Can you pass me the bread, please? नीलू, देखो मुझे पता है तुम मुझसे बंद करो यार। ये तुम झूठी हमदर्दी है ना तुम्हारी माहिर, ये जाके भाई को दिखाओ और बेवकूफ उनको बनाओ, मुझे नहीं। माही, माही, हैं? I'm sorry यार, I'm really sorry. नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारा क्या कसूर? देखो यार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अबू के बाद उसकी ज़हनी कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने और अम्मी ने बहुत समझाया है उसको, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, इन वो किस सदमे से गुजर रही। आए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। प्लीज अगर तुम कुछ दिन के लिए नीचे चली जाओ तो आई मीन ताजियत के लिए लोग आते हैं। I just don't want के वो किसी के सामने तुमसे बदतमीजी करे, अच्छा नहीं लगे। हाँ, ये मैं समझ रही हूँ। चली जाती हूँ, ये कोई मसला नहीं है।